वेलकम बैक टू माय चैनल मी ज़ारा। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंगेजमेंट गेस्ट मेकअप लुक। इंगेजमेंट भी कह सकते हैं या फिर वेडिंग गेस्ट भी बोल सकते हैं। ये सबके लिए ये लुक जाएगा गाइज। तो कैसा लग रहा है ये लुक? और मैंने यहाँ पे दो लुक किया, एक खुले बालों में एक बंधे बालों में, लाइक बन बनाया मैंने। तो ये है बन वाला लुक। और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुले बालों वाला या बन वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये मेकअप। अगर आप हैं मेरे चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने एब्रो को फिल कर लिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। और ये कंसीलर बहुत ही हाई कवरेज कंसीलर है गाइस। तो इसे अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से इस तरीके से कर लेंगे ब्लेंड। और मेरा जो ये ब्लेंडिंग ब्रश है वो है पुनः स्टोर का और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये ब्रश। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेट एंड वाइल्ड के कॉन्टूरिंग पैलेट से एक जो पाउडर वाला शेड है उससे सेट कर लूँगी। उसके बाद स्विस ब्यूटी का पैलेट लूँगी, उसमें से ये पिंक शेड लेकर एज अ ट्रांजिशन कलर मैं अपनी क्रीज लाइन पे से अप्लाई करूँगी इस तरीके से। उसके बाद ये डार्क में ब्राइट कलर लेकर अपने आउटर वी पे वी बनाऊंगी, जैसे वी बनाया जाता है वैसे वी बनाऊंगी। फिर इसे ब्लेंड करूंगी। उसके बाद इसको भी कर लेंगे ब्लेंड। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि मेरे लहंगे में है ब्लू कलर, उसके बाद मैं सेंटर लिड पे अपने ब्लू कलर लगाऊंगी सेम स्विस ब्यूटी के पैलेट से। और ये पैलेट मेरा जो है एचडी पैलेट है, तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है स्विस ब्यूटी का। और अपने फिंगर की हेल्प से इसे सेंटर लिड पे अप्लाई कर लेंगे। देन इसको जो है आउटर वी पे भी हल्का सा प्लेस कर लेंगे। उसके बाद ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन वगैरह ना रहे। इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी मेरा जो पिंक कलर वो हल्का सा फेड हो गया है, तो इसे फिर से करेंगे, इस पर पिंक लगाएं क्योंकि मेरे लहंगे में पिंक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो इसलिए मैं पिंक इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि पिंक मेरा उभर कर आए। तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। मेरा जो लाइनर है वो 35 रुपीज़ का था और ये हिलारी रोडा का था लाइनर। और एक विंग लाइनर बनाऊँगी। और आप लोग को पता है कि मैं विंग लाइनर की कितनी बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो मैं यहाँ पे विंग लाइनर अच्छे से बनाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैशेस अप्लाई की है चेरी बेरी की। और मैंने वो लैशेस जो है फेस पे आते फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे दानिश कुछ बोलने लगे थे मुझे, उससे इग्नोर। तो यहाँ पे इसे क्लीन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइफ का रोज़ हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज़। अगर आपने अभी तक इसे नहीं यूज़ किया तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छा सीरम है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस। क्योंकि समर टाइम है तो इसलिए मैं ऑयल फ्री यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो मैं बहुत जल्दी से यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, ये शैम्बर रोज़ा का स्किन फ्यूजन फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन मेरा फेवरेट वाला फाउंडेशन है गाइज। मैं बता नहीं सकती मैं इस फाउंडेशन की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत मैंने यूज़ किया ये फाउंडेशन। और ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही हाई कवरेज होता है, बहुत मतलब वाटरप्रूफ की तो बात ही वाटरप्रूफ तो इतना है मैं बता नहीं सकती गाइस। ये सच में बहुत वाटरप्रूफ है और ये स्वेटिंग को भी रोकता है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव फाउंडेशन है बट बहुत अच्छा है गाइज। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर अगेन यूज़ कर रही हूँ अपने हाइलाइटेड एरिया पे और इसे अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। उसके बाद सेम कॉन्ट्रोलिंग पैलेट जो है वेट एंड वाइल्ड के, उसमें से येलो शेड का पाउडर लेकर इसे कर लिया और सेट। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ फेस को, ये है NYB की कॉन्ट्रोलिंग स्टिक और ये स्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई गाइज, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सी लगने लगी, कोई नहीं। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे कर लेंगे ब्लेंड और ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। उसके बाद ये कॉन्ट्रोल पैलेट की हेल्प से कॉन्ट्रोल शेड लेके अपने नोज़ को कर लूँगी सेट, ताकि जो क्रीम कॉन्ट्रोलिंग मैंने की है वो सेट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर की लिपस्टिक ली है, शेड है 10 एज अ ब्लश और बहुत अच्छी ये एज अ ब्लश होता है, लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट ले रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पैलेट। उसके बाद इसे पैलेट मतलब हाइलाइटर ले रही हूँ। उसके बाद चीक बोन पे, थोड़ा सा आईब्रो पे, थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी और आप देखिए कॉन्ट्रोलिंग के बाद फेस कटिंग कितनी अच्छी हो जाती है। तो कॉन्ट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है फेस पे। उसके बाद मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो एक बार ज़रूर बनाऊँगी कॉन्ट्रोलिंग के लिए। उसके बाद आई मेकअप पे दोबारा आते हैं, वही ब्लू शेड लिया है और अपने लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई कर लेंगे। हाफ हाफ करेंगे, हाफ पे ब्लू लगाएंगे, हाफ पे पिंक लगाएंगे, ये वाला पिंक। इससे बहुत अच्छा सा आई मेकअप क्रिएट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी, ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा बोल्ड आई सुपर लैश मस्कारा वाटरप्रूफ और ये वाकई बहुत ही अच्छा मस्कारा है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, थोड़ा सा सेट कर लूँ आईब्रो को। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया पर्पल की लिपस्टिक और मेरा जो शेड है वह है गेम नाइट पार्टनर और ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, लाइक बहुत ही ब्राइट पिंक है। तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी इनकी। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का से इसे कम कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। उसके बाद नीचे थोड़ा सा फैल गया था, तो इसे क्या करना है कंसीलर की हेल्प से सही कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी एक लिपस्टिक लूँगी, वो भी पर्पल की ही है। तो ये है लिप क्रॉन मैट ओके, और इसका जो शेड है वो एक्चुअली इस पर मेंशन नहीं है, मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो सेंटर वाला लिप था बस वहीं पे अप्लाई किया, पूरे पे नहीं। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का ये सेटिंग स्प्रे लेके सब कुछ अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। सो या गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा हो और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा फैबुलस ज़ारा को। बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू सो मच, बाय बाय।